हे गाइस वेलकम टू द चैनल। तो अभी 2 बज रहे हैं, मैं अभी स्कूल से आया, आप देख सकते हैं पसीना हो गया है, बाल भी ख़राब हो गया है। और आज हमारे स्कूल में कोविड टेस्ट हुआ, क्योंकि कुछ लोगों को शायद पॉजिटिव निकल गया था, तो इसीलिए आज कोविड टेस्ट वाले आए थे और RT-PCR मेथड से किया गया। वो RT-PCR जिनको नहीं पता मैं बता दूँ कि उसमें एक स्टिक होता है इतना बड़ा, उसको इधर नाक से जो होता है इधर बलगम उसको लेते हैं और उसका फिर टेस्ट करते हैं, तो वही आज हुआ। और भाई जब कोविड टेस्ट हो रहा था जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उसमें वो स्टिक इधर डाल दिए और खांसी जैसा लग रहा था, और बाद में तो मैं बहुत 2-4-5 बार छींका। बहुत परेशानी हुआ, लेकिन फिर बाद में थोड़ा नॉर्मल हो गया। अभी तक तो रिपोर्ट आया नहीं है, आ जाएगा 1-2 दिन में, फिर मैं आपको बताऊंगा वीडियो में क्या आया। वैसे तो नेगेटिव ही आना चाहिए, क्योंकि मैं नेगेटिव ही हूँ, मुझे कुछ सिम्टम्स तो नज़र आ नहीं रहे और मेरा हेल्थ भी सही है। और खुशी की बात यह है कि मेरे फुआ जो हैं, बड़े फुआ, वो पटना में रहते हैं, सचिवालय में वो सर्विस करते हैं, उन्होंने एक पार्सल भेजा है मेरे लिए मेरे घर पर। तो देखते हैं उसमें खोल के क्या, मैं आपको लंच करूँगा अभी, मैं अभी फ्रेश होके लंच करता हूँ, फिर उसको खोल के देखेंगे कि उसमें क्या है। सो गाइस मैंने अभी लंच कर लिया है और फिलहाल मैं देख रहा हूँ एक मूवी, साउथ इंडियन। ये रहा, मैंने लैपटॉप में इसको ओपन कर लिया है और इस टाइम पे मैं सोता था, लेकिन अभी मैं मूवी देख रहा हूँ, क्योंकि अगर मूवी देखने के बाद भी सो गया तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पापा ने बोला है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, कहीं अगर आपको कुछ नया काम करना है तो कहीं से उसको काटना पड़ेगा, तो वही जो भी है, इसीलिए मैं अभी नहीं सोऊंगा। तो फिर मूवी देखने के बाद मैं आपसे मिलता हूं। और फुआ ने जो गिफ्ट भेजा है उसको भी खोलना है, लेकिन वो पापा के ड्यूटी के आने से बाद खोलेंगे हम दोनों साथ में, फिर आपको दिखाऊँगा मैं। तो फिर सो गाइस मैंने मूवी देख लिया है और अब बारी है इस पार्सल को खोलने की। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, मेरे फुआ ने भेजा है मेरे एड्रेस पर इसको, उसको खोल के देखेंगे अभी क्या है। हालांकि इसको मैं और पापा साथ में खोलने वाले थे, लेकिन अभी तक वो ड्यूटी से नहीं आया है, मैंने सोचा मैं ही खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है खोलने की। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये रहा गाइस वो पार्सल, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो इससे खोलते हैं। ये क्या है भाई? ओहो, अब समझ में आया। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं, एक बहुत ही सुंदर राखी है जो मेरे फुआ ने मेरे पापा के लिए भेजा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये। इसमें बीच में ओम लिखा हुआ है भगवान का, अब देख सकते हैं इसको। तो फिर उनके लिए भी कुछ गिफ्ट पार्सल करना पड़ेगा, तो फिर मैं पापा को बोलता हूँ उनके लिए कुछ गिफ्ट पार्सल करने के लिए, कुछ अच्छा सा गिफ्ट उनको दे देंगे हम लोग। ये बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन रक्षाबंधन के त्यौहार के अवसर पर उन्होंने ये मेरे पापा को भेजा है, तो कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। तो फिलहाल अभी मेरा टाइम हो चुका है पढ़ाई करने का, क्योंकि मैंने 2 घंटे मूवी देख लिया, तो वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो गया मेरे लिए। तो मैं अभी जाता हूँ पढ़ाई करने, फिर आपसे बाद में मिलता हूँ। गाइस मैं खेल के आ चुका हूँ और आज भी मैं पसीने से पूरा तर बतर हो चुका हूँ, क्योंकि आज भी मैं मौसम वैसा ही था कल जैसा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी हवा में, तो ज़्यादा पसीना हो जाता है। तो अभी मैं फ्रेश होऊंगा, उसके बाद स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ मिले हैं, उसको कंप्लीट करना है, असाइनमेंट कम्प्लीट करना है और कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना होता है, आप लोगों को भी पता है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे इस ब्लॉग को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।